ये देखिए, ये है ट्रैक और जा रहा हूँ मैं वाटरफॉल के पास। पास से दिखाता हूँ आपको वाटरफॉल। तो गाइस, इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा लदवागढ़ वाटरफॉल, जो कि है रामनगर और हल्द्वानी के बीच में। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको रामनगर क्रॉस करना पड़ेगा, छोई और बेल पड़ाव के बाद पड़ेगा ये लदवागढ़ वाटरफॉल। अगर आप हल्द्वानी से आ रहे हैं तो कालाडी क्रॉस करके 5 से 8 किलोमीटर आगे लदवागढ़ वाटरफॉल है। बाकी लोकेशन बहुत बढ़िया थी। तो गाइस देखिए वीडियो में क्या शानदार ट्रैक है। हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से और आपको पूरा वहां पे ले जाके पूरा आपको लदवागढ़ वाटरफॉल का ट्रैक दिखाते हैं और वाटरफॉल दिखाते हैं। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर कुछ मेरे से आपको वीडियो में इम्प्रोवाइज कराना है तो उसके लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज मेरे को गाइड करिएगा। तो गाइस घर से हम लोग निकल चुके हैं और मेरे सामने अजय भैया चल रहे हैं, देखिए। और सुबह अभी 6:15 हो रहा है और अंधेरा हो रहा है पूरा, यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मीटिंग पॉइंट हमारा यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर आगे है, तो आगे चल के मीटिंग पॉइंट पे मिलवाता हूँ सबसे आपको। भाभी से परमिशन लेके आए हैं। 12 बजे तक की परमिशन है सर। 12 बजे बाद भागेंगे। चले तो गाइस मीटिंग पॉइंट पे सब इकट्ठे होके आगे के लिए निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था इस वजह से आपको मिलवा नहीं पाया अपने ग्रुप मेंबर से। अभी आगे जहाँ पे उजाला होगा वहाँ पे मिलवाता हूँ आपको। तो गाइस जंगल का एरिया आ गया है, ये रास्ता सीधे जा रहा है रामनगर के लिए। गाइस ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो अभी हमने यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आग जलाई है हाथ गर्म करने के लिए, जिससे हम आगे जा सके। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गाइस करीबन आधा रास्ता कवर करने के बाद हम लोग यहाँ पे चाय पीने रुके हुए हैं और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये हमारे अजय सर और ये हमारा गोलू, इनका भी यूट्यूब में चैनल है ट्रैवल विद पहाड़ी। बंद होने वाला है। और ये है शालिनी मैम, गिरते गिरते बची। गौरव भैया, जयसवाल जी, अमित भैया, हर्षद भाई, अनुज, सार्थक, अजय भैया, ये अजय चौरसिया है और वो अजय तोलिया है। और ये हमारे पंकज भैया। तो गाइस चाय पी के हम लोग आगे के लिए निकल रहे हैं और अजय भैया ने 3 चाय पी हैं, घर पे चाय नहीं पीते हैं, भाभी को बताना पड़ेगा। और सुबह भाभी के लिए चाय बना के भी नहीं लाए हैं अजय भैया। हमने हल्द्वानी से आते आते कहीं नहीं मुड़ना है, सीधे रामनगर के रास्ते पे जाना है। तो गाइस देखिए ये है साइन बोर्ड लदवागढ़ वाटरफॉल। थोड़ा सा आगे जाके हमने राइट टर्न होना है, वहाँ से 2.5 किलोमीटर है। तो चलिए आगे का ट्रैक दिखाता हूँ आपको। तो गाइस बोर्ड से करीबन 50 मीटर आगे आके आपको ये बोर्ड दिखेगा, यहाँ से आपको अंदर जाना है, कच्चा रास्ता है अंदर का, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए रास्ता, यहाँ से कच्चा रास्ता अंदर जा रहा है, बाकी अंदर का रास्ता आपको दिखाता हूँ।
सीधे सीधे आएंगे तो आके आपको एक बोर्ड दिखेगा, बोर्ड दिखाता हूँ आपको। इस बोर्ड से हमें यहाँ पूरे जंगल के रास्ते से ऊपर जाना है। आप लोग अगर कार से आ रहे हैं तो कार आप नीचे ही खड़ी करके जाइएगा। गाइस हम लोग आए थे यहाँ से, अब हमें जाना है इस रास्ते से, ये देख रहे होंगे आप। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैक में, आप देख ही रहे होंगे ऑफ रोड ट्रैक है, जंगल के बीच से निकल रहे हैं। बगल में रिवर चल रही है और साइड में देखिए हम बढ़िया ट्रैक बना रखा है देखिए। तो गाइस ट्रिप में एडवेंचर स्टार्ट हो गया है, हम जंगल के बीच में है बिल्कुल। यहाँ से ट्रैक करके हमें 2 किलोमीटर आगे जाना है वाटरफॉल की तरफ, और घना जंगल एरिया है, पूरा कॉर्बेट से लगा हुआ है। तो गाइस सब लोग साथ, भाग आएगा तो भागना नहीं है किसी ने इधर उधर, सब लोग साथ रहेंगे। ये देखिए ये है ट्रैक, चलो भाई। यहाँ से हमें ये क्रॉस करके ऊपर के रास्ते जाना है। आप लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ पत्थरों पे आपको एरो बने हुए दिख जाएंगे, रास्ता इंडिकेट कर रहे हैं वो। देख लूंगे आप, ये घना जंगल है और जंगल के बीच में ये ट्रैक बना हुआ है जाने के लिए। ये देखिए पूरा पत्तों का पर्दा बना हुआ है, करीब से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्या अमेजिंग व्यू है, पूरा पत्तों से ढक रखा है और ये पूरी ऊपर से देखिए नीचे बेल आ रही है। डेस्टिनेशन पे लदुआगढ़ वाटरफॉल, वो देखिए आपको मेरे पीछे वाटरफॉल दिख रहा होगा, बहुत बड़ा वाटरफॉल है और बहुत प्यारी लोकेशन है, आपको लोकेशन दिखाता हूँ अभी। ये देखिए ये है ट्रैक और जा रहा हूँ मैं वाटरफॉल के पास, पास से दिखाता हूँ आपको वाटरफॉल। ये देखिए गाइस आप नोटिस कर रहे होंगे वाटरफॉल के नीचे एक रेनबो बन रहा है, ये देखिए बहुत प्यारा सा एक रेनबो बन रहा है ये ठीक वाटरफॉल के नीचे से। ये देखिए वाटरफॉल ऊपर से आ रहा है और ये आके यहाँ पे गिर रहा है और ये नीचे देखिए रेनबो, ये देख रहे हो गाइस आप वाटरफॉल, क्या नज़ारे हैं यहाँ से वाटरफॉल के, दिखाता हूँ आपको।